ताजा खबरें। खबर भदोही से, भदोही थाना औराई पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तैयार कर नया सिम कार्ड एक्टिवेट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह सरगना सहित 3-4 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी कार्यालय से जारी विज्ञापन के अनुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सक्रिय गिरोह द्वारा दुकान में फर्जी आधार कार्ड तैयार कर दूसरे व्यक्तियों के आधार कार्ड पर अपनी फोटो एडिट कर विभिन्न कंपनियों से नया सिम लेकर फर्जी कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा प्रभारी निदेशक पराई के नेतृत्व में टीम का गठन कर गिरोह में शामिल अभियुक्तों का गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विशेष रिपोर्टर आजाद खान का। जनपद में साइबर क्राइम साइबर टीम ने और औराई थाने पुलिस ने एक उल्लेखनीय कार्य किया, जिसमें 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करते रहते हैं। और अभी विगत एक महीना पहले जनपद में एक गिरोह पकड़ा गया था जो फर्जी आधार कार्ड और सिम कार्ड के आधार पर इन्होंने जो धान क्रय केंद्र थे उसमें बड़ा घोटाला किया था। उस इन्वेस्टिगेशन की जांच पड़ताल के क्रम में ये जानकारी हुई कि इनको जो सिम प्रदान हुए थे वो ये 3 लोग थे, जिसमें एक आकाश बर्नवाल, कन्हैया जायसवाल और संतोष गुप्ता, जिसमें 2 लोग जो खमरिया के रहने वाले, एक महाराजगंज थाना और रहने वाले। ये एक ऐसा गिरोह था जिन्होंने उन जो फर्जीवाड़ा किया था उन लोगों को सिम प्रदान किया था और लोगों को भी ये फर्जी तरीके से सिम जारी करते थे। ये किसी भी ग्राहक का जो सिम लेने जाता था उसका आधार कार्ड ये रख लेते थे, देन उस आधार कार्ड में फ़ोटो एडिट करके किसी दूसरे की फ़ोटो लगा करके एक ही आधार कार्ड से बार बार रजिस्टर्ड करके सिम लेते थे और उसको फिर OTP के लिए दूसरे को भेज देते थे, क्योंकि 1 पासवर्ड होता, ले लिया फिर चेंज कर दिया, फिर वो दूसरे किसी को दे दिया। इस तरह से ये फर्जीवाड़ा करते रहे और उसमें लार्जेस्ट संख्या में करीब 1,100-1,200 से ऊपर सिम यूज हुए थे, जिसमें OTP का यूज करके वो धान क्रय केंद्र जो क्रय किया गया था उन्हें फर्जीवाड़ा किया गया था। इसमें आज इनकी गिरफ्तारी में इनके पास से कुल 8 नए और 15 जो है फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। 47 अदद इनके पास से सिम बरामद हुए हैं, 4 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और प्रिंटर, इस तरह के इनसे सामान बरामद हुए हैं। और ये दोनों इनका जो उस फर्जीवाड़े में इनका क्या सहयोग था इस पर और गहराई से विवेचना करते हैं। अभी इनके आपराधिक इतिहास की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी थे, छोटे छोटे सेलर हैं, ये मोबाइल सिम और रिचार्ज का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने लार्जेस्ट सेलर संख्या में फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेशन करके उन लोगों को प्रदान किया जिन्होंने धान क्रैकिंग में बड़ी धाती और करोड़ों का धान किया था, उनको किया। इसमें और गहराई से विवेचना करके उसमें उनके खिलाफ और कड़ी।